मगर हमने घरों में देखा टूट रही है मोहब्बत की वजह से, बिखर रही है मोहब्बत की वजह से, जुदा हो रही है मोहब्बत की वजह से, क्या कहने, बाप परेशान है मोहब्बत की वजह से। बाप मौलवी से कहता है बेटे का दिमाग खराब हो गया है। मौलवी ने पूछा क्या हुआ, उसने कहा मोहब्बत हो गई है। दुनिया के सबसे अच्छे एहसास में ये सबसे गंदे नतीजे कहां से आ गए, क्योंकि तरतीब बिगड़ गई। बेटे ने कहा, बाप ने कहा बेटा ठीक है तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह सही है, मगर मैं जानता हूं खानवादा ठीक नहीं है, मैं जानता हूं नस्ल ठीक नहीं है, मैं जानता हूं ओरिजिन ठीक नहीं है, मैं जानता हूं खानवादा शजरा ठीक नहीं है। होता है ना, आप अपने अपने समाजों की जानकारी रखते हैं, ऐसा होता है ना, बाप जवान बेटे को समझाने की कोशिश करता है और जवान बेटा कहता है अब्बा आपकी समझ में नहीं आएगा, आपकी दुनिया अलग और हमारी दुनिया अलग है, आपकी निगाहें अलग हमारी निगाहें अलग। अच्छा होता ये था 70 साल पहले कि जनरेशन का गैप आता था 30 साल में, अब जनरेशन का गैप आता है 10 साल। आप समझ रहे इतने का फर्क है। अब बेटा जब बाप से बोलता है तो कहता है आपको क्या मालूम है, जो मालूम है वो हमें मालूम है। क्यों? इसलिए कि हजरत को मोहब्बत हो गई है। अब इनको किसी की बात समझ में नहीं आता तो शरीफ मौलवी होगा तो कभी बीच में नहीं पड़ेगा, वो समझेगा जिसे बाप की नहीं समझ में आ रही उसे मेरी क्या समझ में आ रही। सादी सी बात है, सोचेगा ना मेरी क्या समझेगा, अपने अब्बा की नहीं समझ रहा है। वाह वाह वाह, नहीं बोलेगा, बीच में नहीं पड़ेगा, ये कहेगा भाई मैं नमाज के बाद दुआ कर दूंगा, खुदा तौफीकात दीजा, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा अब ये मोहब्बत हो गई, इन्होंने अब्बा का पैसा, अम्मा का पैसा, खाला का पैसा, फूफू का पैसा जो था वो सब जमा करके और गिफ्ट में और इस डे में और उस डे में अपना एक साल तक इन्होंने अपनी मोहब्बत जो है वो अपनी मोहब्बत के पूरा दीवान जिसे कहा जाता है उसे लिखने की पूरी कोशिश की। एक साल के बाद अब्बा के पास आके बैठ के चाय पी रहे, बाप ने कहा बेटा क्या हुआ, कह लेंगे बाबा वो ठीक नहीं था मामला। वो महसूस कीजिएगा जो लफ्ज मैं आपको सुनाना चाहता हूं वो अहम है, ठीक नहीं था मामला। जिसकी वफादारियां की कसमें खा रहा था उसे खुद झूठा साबित कर रहा है, जिसके साथ जिंदगी गुजारने के वादे बयान कर रहा था उसके साथ एक रात एक दिन गुजारना सख्त बन चुका है। बाप से कह रहा है बाबा गलती हो गई, बाप तो कहते ही उसे है जो हर गलती को माफ कर दे, पर बेटा उसे नहीं कहते हैं जो गलती के बाद गलती करता है। पता नहीं मैं आपको समझा, बाप तो कहते ही उसे है जो हर गलती को माफ करता। अच्छा बेटा क्या महसूस किया बाबा, क्या महसूस किया, कुछ था ही नहीं, कुछ होता तो बयान करता, कुछ रहता तो रुक जाता, मैं पलट के वापस आया हूं क्योंकि रुकने जैसा कुछ है ही नहीं। जिसे मैं सफेद समझ रहा था वो काला निकला, जिसे सच्चा समझ रहा था झूठा निकला, अमीन समझ रहा था काज़िब निकला, साथ देने वाला समझ रहा था बेवफा निकला, जिंदगी भर का साथ समझता था गद्दार निकला। मैं तो सोच ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता, जो मैं सोचता हूं कि क्या हो गया मैं उसे बयान नहीं कर सकता, पर आपकी बात हर जगह याद आई और आपकी बात सच साबित हो गई, वापस पलट गया। पता है ये क्यों हुआ, पता है ये क्यों हुआ, इसलिए कि इस बच्चे ने तरतीब बिगाड़ दी, तरतीब बिगाड़ी, जिंदगी बिगड़ गई, जवानी बिगड़ गई, नतीजे बिगड़ गए, आखिरत बिगड़ गई। अब क्या हुआ, क्या हुआ, अब इसी को समझ लीजिए, यही पूरी मजलिस है आपके नजरों के सामने। हुआ क्या, हुआ यह कि हजरत ने मोहब्बत की, मोहब्बत के बाद मारिफत हो गई। मैंने मजलिस पढ़ दिया और मान लो तुम्हारी खामोशी पर, हजरत ने मोहब्बत की, मोहब्बत के बाद क्या हो गया, मारिफत हो गई, मोहब्बत के बाद मारिफत हो गई, नशा उतर गया, मारिफत हर नशे को उतार देती है। अल्लाह हू अकबर।